बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक भी हमारे पास जैसे पहले के टॉपिक जिसमें हमने काउंटर इफेक्ट पढ़ा, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा, ये टॉपिक भी बेसिकली हमें ये बताएगा कि जो फोटोन होते हैं वो मैटर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं लाइक पार्टिकल्स। आज के हमारे टॉपिक का नाम है पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन यानी कि इसके नाम से जैसे जाहिर है, पेयर का मतलब है दो, यानी कि दो चीज़ों का प्रोडक्शन का मतलब होता है बनाना, यानी दो चीज़ों का बनाना, यानी दो चीज़ों को पैदा करना। अगर हम इसके डेफिनेशन की तरफ जाएं, दिस प्रोसेस इज़ एन अदर एग्जांपल ऑफ फोटोन हैज़ पार्टिकल नेचर। इसकी डेफिनेशन हमारे पास बनती है इंटरेक्शन ऑफ गामा रेज विद मैटर टू प्रोड्यूस पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन पेयर। यानी कहने से मुराद ये है कि जब हमारे पास दो गैमा, एक गैमा रेज जो होती है वो किसी मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है, जब वो किसी मैटर के साथ इंटरेक्ट करेगी तो उसके नतीजे में वो क्या पैदा करेगी, एक पॉजिट्रॉन पैदा करेगी और एक इलेक्ट्रॉन पैदा करेगी। यहाँ पर आपने एक बात याद रखनी है कि बेसिकली जो पॉजिट्रॉन है ये हमारे पास एंटी पार्टिकल है और इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास पार्टिकल है। यानी इसका मतलब है कि पेयर प्रोडक्शन बेसिकली वो प्रोसेस है जिसमें हमारे पास जब कोई गामा रेज, अब गामा रेज हमने क्यों लिया है, क्योंकि गामा रेज वेरी हाई एनर्जी है, इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। जब बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी फोटोन जब किसी भी मैटर यानी किसी भी न्यूक्लियस के साथ टकराएगा तो टकराने के बाद क्या होगा कि वो उस न्यूक्लियस से एक पॉजिट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि वो गामा रेज अपने आप को एक पॉजिट्रॉन यानी एक एंटी पार्टिकल और एक पार्टिकल में कन्वर्ट कर लेगी। अगर हम इसको डायग्राम में देखें तो हमारे पास ये गामा रेज है, ये गामा रेज जब न्यूक्लियस की इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि ये हमारे पास न्यूक्लियस है तो ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सपीरियंस में आती है यानी उसकी रेंज में आती है, तो ये फिर क्या करती है कि इंटरेक्शन के नतीजे में ये एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन को ये क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। अब यहाँ पर अगर हम पॉजिट्रॉन को देखें, पॉजिट्रॉन हमारे पास क्या है, पॉजिट्रॉन बेसिकली वो ऐसा एंटी पार्टिकल है जिसका मास जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर है, इसके अलावा इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो चार्ज इलेक्ट्रॉन के बिल्कुल अपोजिट होता है, यानी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और इसको हम एंटी पार्टिकल भी कहते हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया कि ये एंटी पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन का। अब यहाँ पर एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जब गामा रेज जो है वो न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट करती हैं, यानी मैटर के साथ इंटरेक्ट करती हैं, तो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव पार्टिकल को पैदा करने से क्या होता है कि हमारे पास चार्ज की मकदार जो है वो कंजर्व रहती है। यानी इसका मतलब है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो है वो इस प्रोसेस के अंदर वो कभी भी चेंज नहीं होता। यानी एक नेगेटिव पार्टिकल और एक पॉजिटिव पार्टिकल ये क्या करते हैं, कंजर्व कर देते हैं चार्ज के लॉ को। अब यहाँ पर हमारे पास पेयर प्रोडक्शन के लिए कुछ कंडीशन हैं, उसमें हमारे पास जो पहली कंडीशन है वो हमारे पास कंडीशन ये है कि हमारे पास जो न्यूक्लियस यानी जो मटीरियल का जो न्यूक्लियस है वो बहुत हैवी होना चाहिए, उसका एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर दोनों बहुत ज़्यादा होने चाहिए, और दूसरी बात जो हमारे पास गामा रे फोटोन है वो हमारे पास मौजूद होना चाहिए। यानी गामा रे से अगर हम एक्स रेज ले लेते हैं या हमारा अल्ट्रा वायलेट का फोटोन लेते हैं तो वो इस प्रोसेस को इस तरीके से अमल नहीं कर सकेगा, उसको अंजाम नहीं दे सकेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो गामा रेज हैं वो वेरी हाई एनर्जी होते हैं। हमें पता है कि जो गामा रेज है उसकी जो एनर्जी है वो एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी के ऊपर आती है, और इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसके नतीजे में इसकी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होती है, और गामा रेज की कम से कम जो एनर्जी है वो 1 MeV होती है जो गामा रेज की है। अब यहाँ पर हमारे पास एक चीज़ जो आपने देखनी है वो बड़ी ज़रूरी है कि हमारे पास जो एनर्जी की इक्वेशन बनती है इलेक्ट्रॉन के लिए, जो रेस्ट मास एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, वो हमारे पास बनती है फॉर इलेक्ट्रॉन 0.51 MeV। तो ये 0.51 MeV बनती है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन पैदा होगा और जो पॉजिट्रॉन पैदा होगा उसके लिए भी ये एनर्जी उतनी होगी, तो इसका मतलब है कि हमारे पास
तो हमारे पास जो रेस्ट मास एनर्जी है वो हमारे पास कितनी है, 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किसके लिए, एक इलेक्ट्रॉन के लिए। इसी तरह पॉजिट्रॉन के लिए भी हमारे पास 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होगी। तो हमारे पास जो गैमा रेज है उसकी एनर्जी जो होनी चाहिए, क्योंकि उसने एक प्रोटॉन और एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन को पैदा करना है, तो उसके पास जो एनर्जी होनी चाहिए वो मल्टीपल होनी चाहिए 2 का, किसका, जो हमारे पास रेस्ट मास एनर्जी है किसकी, इलेक्ट्रॉन की या पॉजिट्रॉन की। यानी इसका मतलब है कि हमारे पास जो गैमा रेज है उसकी मिनिमम एनर्जी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। अगर इतनी एनर्जी होगी तो फिर हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है फॉर पेयर प्रोडक्शन वो हमारे पास मैक्सिमम हो जाती है। अब यहाँ पर एक बात, एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी आता है कि हम पेयर प्रोडक्शन के लिए गैमा रेज के अलावा दूसरी रेज को इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो एक्स रेज है या जो दूसरी अल्ट्रा वायलेट रेज है उनको इस्तेमाल करना इसलिए भी हमारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि हम जो मेगा 1 मेगा इलेक्ट्रॉन, इतनी ज़्यादा जो एनर्जी है, जो कि देखे ना कि गैमा रेज के लिए 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए, और गैमा रेज और अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो है वो उतनी एनर्जी कैरी कर सकती हैं, लेकिन वो बहुत आसानी से कैरी नहीं करती। उन्हें एनर्जी देने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। यानी जो गैमा रेज है वो सिर्फ थोड़ी सी मुशक्कत के बाद, थोड़े से एक्सपेरिमेंट, तो हमारे पास जो गैमा रेज है वो हमारे पास इतनी ज़्यादा एनर्जी बहुत जल्दी गेन कर लेती है, क्योंकि वो पहले से ही बहुत ज़्यादा हाईली एनर्जेटिक होती है, एक बात। और दूसरी बात, इसका मतलब है कि हमारे पास जब गैमा रेज आएंगी, वो गैमा रेज क्या करेंगी, एक तो वो प्रोडक्शन के लिए एनर्जी प्रोवाइड करेंगी, जो कि एनर्जी हमें पास हमारे पास जो कि एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। यानी इसका मतलब है कि जो हमारे पास गैमा रेज हैं वो बेसिकली है तो फोटोन, तो जो फोटोन की एनर्जी होगी वो हमारे पास इक्वल होगी किस एनर्जी के, एक तो पेयर प्रोडक्शन के, प्लस कैनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। यानी इसका मतलब ये भी है कि कैनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल यहाँ पे क्यों ज़रूरी है। यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है कि हमारे पास जो दो पार्टिकल, यानी कि हमारे पास जो पॉजिट्रॉन और जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, जब गैमा रेज ने इनको प्रोड्यूस किया, यानी पेयर प्रोडक्शन में हुई है, ये प्रोडक्शन हुई है, तो इनको चाहिए कि ये एक दूसरे से अवे मूव करें। अब इतनी एनर्जी प्रोवाइड करनी है कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट ना करें और अट्रैक्शन की वजह से एक दूसरे की तरफ जुड़ ना जाए। अगर ऐसा होगा तो चूंकि हमने पढ़ा हुआ है कि ये जो पॉजिट्रॉन है ये है एंटी पार्टिकल, और ये जो हमारे पास है ये इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास पार्टिकल है, तो जब ये एक दूसरे के साथ दोबारा से जुड़ जाएंगे तो फिर दोबारा से ये गैमा रेज में, यानी दोबारा से एक दूसरे को इनहेल कर लेंगे, इनहेलेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो उस प्रोसेस को रोकने के लिए पेयर प्रोडक्शन में हमारे पास फोटोन को इतनी एनर्जी देनी पड़ती है कि वो इतनी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है कि एक तो वो पेयर प्रोडक्शन का काज बन सके, और दूसरा वो उन जो चार्ज पार्टिकल जो हमारे पास पैदा हुए एंटी पार्टिकल और एक पार्टिकल, उनको इतनी कनेटिक एनर्जी भी प्रोवाइड कर सके कि ये एक दूसरे से अवे जा सके। अवे जाएंगे तो ये अपनी जो प्रेजेंस है, यानी अपनी जो इनकी जो अकरेंस जो भी पैदा हुए क्रिएशन है उसको ये बाहर रख सकेंगे। अब यहाँ पे आपने एक बात का ख्याल रखना है जो पेयर प्रोडक्शन में पढ़ते हुए कि जो मेन चीज़ है, मेन चीज़ ये है कि हमारे पास जो पेयर प्रोडक्शन के लिए जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस भी हैवी होना चाहिए। न्यूक्लियस, हम किसी भी हल्के मास वाले न्यूक्लियस के साथ ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि हल्का मास वाला जो न्यूक्लियस है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटरेक्शन उतनी ज़्यादा नहीं होती। हमें वेरी हैवी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरेक्शन चाहिए, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बहुत ज़्यादा हाई होनी चाहिए। तो इन सब प्रोसेस, यानी कि दो कंडीशंस के पूरा होने के बाद हमारे पास पेयर प्रोडक्शन हो जाती है। और यहाँ पे हमने इस चीज़ को प्रूव कर लिया कि हमारे पास जो फोटोन्स हैं वो मैटर की तरह इंटरेक्ट कर सकते हैं।